हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल की ऑफ सक्सेस में। दोस्तों, आप अगर SSC JD 2024 की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो को आंख बंद करके देखो, ठीक है। आंख बंद करने का मतलब वो ऐसे नहीं, ठीक है। आंख बंद करने का मतलब क्या होता है कि भरोसा करना, ठीक है। मेरे ऊपर आप भरोसा करके देखो SSC JD 2024 में, अगर आपका मैथ्स में, ठीक है, क्या मैं मैथ्स में अगर आपका कम स्कोर आ रहा है, जिनका सात नंबर आ रहा है, आठ नंबर आ रहा है, ठीक है, या फिर 10-15 पे अटक जा रहे हैं, 40 नंबर का टोटल है, 20 क्वेश्चन 40 नंबर का, ठीक है, लेकिन आप 15 नंबर पे अटक जा रहे हो, 20 नंबर पे अटक जा रहे हो, तो ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए ही जिनका जो है वो मैथ्स बिल्कुल ही कमजोर है, ठीक है। मैं यहाँ पे कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, इस टॉपिक को आप ध्यान से देखना और इस टॉपिक के अंदर में क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। एक होता है हार्डवर्क, एक होता है स्मार्ट वर्क, ठीक है। तो हार्ड वर्क तो आपको करना ही करना है, ठीक है, उसके साथ साथ आपको स्मार्ट वर्क करना है। स्मार्ट वर्क होता क्या है वो सब इस वीडियो में बताने वाले हैं। स्मार्ट वर्क कहने का मतलब कि नंबर सिस्टम एक बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। अब SSC JD के लिए नंबर सिस्टम पढ़ना स्टार्ट करेंगे तो पता चलेगा कि 10 दिन समय नंबर सिस्टम में खत्म हो गया, ठीक है। तो उस नंबर सिस्टम में आखिर आपको पढ़ना क्या है सिस्टमेटिक ढंग से, ठीक है ना, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है, VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक जो है वो आपको हम यहाँ पे बताने वाला हूँ, और उस चैप्टर में भी कौन कौन सा टॉपिक होता है वो हम आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना और जितना भी सारा हम बताएंगे चैप्टर, ठीक है, वो सब जो है वो ट्रिकी मेथड से कैसे बनाया जाएगा, ठीक है, कहाँ पे ये ट्रिकी मेथड आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है, इसका नोट्स कहाँ पे आप खरीद सकते हो, ठीक है, ये सारा हम इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे, सबसे पहले हम लिखते हैं मेन जो चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर, यहाँ पे पहले नोट करना आपका नंबर सिस्टम, ठीक है। पहला चैप्टर आपका क्या है, नंबर सिस्टम, ठीक है, पहला चैप्टर आपका क्या है, नंबर सिस्टम। सेकंड नंबर में नोट करना HCF एंड LCM, ठीक है। सेकंड नंबर में क्या नोट करना है, HCF एंड LCM। नंबर थ्री में परसेंटेज, ठीक है, नंबर थ्री में परसेंटेज। नंबर चार में नोट करना प्रॉफिट लॉस, ठीक है। जितना भी हम लिख रहे हैं ना ये सब एकदम श्योर है, इसमें से नंबर सिस्टम में से आपका 100% आना ही आना है क्वेश्चन, HCF LCM से तो पक्का आएगा, परसेंटेज से, प्रॉफिट लॉस से, इस सब से क्वेश्चन जो है वो हमेशा आ ही जाता है, ठीक है। पांचवा नंबर में नोट करना प्रॉफिट लॉस हो गया, इसके बाद आप नोट करना एवरेज, ठीक है, एवरेज। सिक्स नंबर में नोट करना CI और SI, ठीक है, इसको देख के बहुत डर लगता है, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट को देख के डर लगता है, तो यही तो डर खत्म करना है, ठीक है। ये जितना ये चैप्टर लिख रहे हैं ये सब कैसे बनेगा, ये सब ट्रिकी मेथड से बनेगा, ठीक है। 60 मिनट जो आपका समय है SSC JD में, 60 मिनट में 80 क्वेश्चन, ठीक है ना, तो ये सबसे ज़्यादा मैथ्स में प्रॉब्लम हो जाता है, ठीक है, टाइम मैनेज नहीं हो पाता है, वो सब हम आपको बताएंगे ट्रिकी मेथड आपको मिलेगा कैसे। सिक्स नंबर क्या है, CI और SI। आप आगे चलते हैं, यहाँ पे इधर नोट करना कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, इसके बाद आप यहाँ पे नोट करना क्या, नंबर सिस्टम, HCF LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, एवरेज हो गया, CI और SI हो गया, इसके बाद नोट करना टाइम एंड वर्क, ठीक है, टाइम एंड वर्क इसके साथ साथ, ठीक है, टाइम एंड वर्क के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, पाइप एंड सिस्टर्न, ठीक है, पाइप एंड सिस्टर्न, यानी कि पाइप और टंकी, ठीक है, पाइप और टंकी इसके साथ साथ पढ़ना है आपको, ज़्यादा बेटर रहेगा ये दोनों को, ठीक है। इसके बाद आता है टाइम डिस्टेंस, ठीक है, टाइम डिस्टेंस स्पीड, और इसके साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, टाइम डिस्टेंस स्पीड के साथ साथ आपको क्या पढ़ना है, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ये जो है आपको महत्वपूर्ण चैप्टर हम यहाँ पे बता दिए, ठीक है। इसके बाद आपको एक और चैप्टर बचता है, वो है क्या आपका, वो है आपका मेंसुरेशन, ठीक है, वो है आपका मेंसुरेशन 2D एंड 3D, ठीक है, 2D एंड 3D में, अगर जिनको मेंसुरेशन से माथा दर्द देने लगता है वो इसको छोड़ देना, ठीक है। मेंसुरेशन अगर आप नहीं भी करोगे तो आपका जो है वो 17-18 नंबर सियोर आपका SSC JD में, मैथ्स में, ओनली मैथ्स में, ठीक है, 17-18 क्वेश्चन जो है आराम से सोल्व होगा, ठीक है। अब ये चैप्टर मैं आपको लिख दिया, 8 चैप्टर का नाम यहाँ पे लिख दिया, नंबर सिस्टम, HCF LCM, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एवरेज, CI SI, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है। ये सब जो है वो ये सब महत्वपूर्ण चैप्टर है, ठीक है, ये सब क्या है, महत्वपूर्ण चैप्टर है। अब देखो नंबर सिस्टम बहुत बड़ा चैप्टर है, ठीक है। नंबर सिस्टम में पढ़ना क्या है, नंबर सिस्टम में आपका आ जाता है क्या क्या, यूनिट डिजिट आ जाता है, ठीक है, फैक्टर वाला आ जाता है, ठीक है ना, और इसमें आपका डिविजिबिलिटी रूल भी आ जाता है। तो मुख्य रूप से नंबर सिस्टम में आपको क्या रखना है यार, डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल जो है वो आपको विभाज्यता का नियम नंबर सिस्टम में पूरा का पूरा आपको याद रख लेना है, ठीक है। HCF LCM में जो है वो इस प्रकार का क्वेश्चन आता है ना कि HCF LCM में अगर पहली संख्या इतना है, ठीक है, दो संख्याओं का गुणनफल इतना है, पहली संख्या दिया होता है दूसरी संख्या निकालो, या फिर HCF LCM का गुणनफल इतना है, LCM दिया हुआ है तो HCF निकालो, ठीक है। तो ये सब जो है वो आपको ट्रिकी मेथड से मिलेगा, ये सब आपको ट्रिकी मेथड से मिलेगा। परसेंटेज में सबसे ज्यादा क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है, टाइप वाइज, ठीक है, टाइप वाइज आपको पढ़ना है। परसेंटेज में कहां से पूछता है, तो जो होता है ना कि मत वाला वोट, ठीक है, कि दो आदमी जो है आपस में वोट, दो आदमी को वोट मिला, पहले आदमी को इतना, दूसरे आदमी जो है इतना परसेंट से हार जाता है, और हारे हुए का वहां पे दे देता है कि हारा हुआ वोट जो है वो इतना है उसका संख्या, तो आपको पूछेगा कि जो जीत गया उसको
आपको कितना वोट पड़ा या फिर टोटल वोट आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। तो ये परसेंटेज में जो है ना ये एसएससी का फेवरेट क्वेश्चन है वो हो जाता है वो सब वोटिंग वाला। प्रॉफिट लॉस में भी बहुत सारा टाइप है इसमें, ठीक है ना। इसमें बताने लगे तो फिर देरी हो जाएगा, लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है। प्रॉफिट लॉस भी आपको मिल जाएगा एवरेज में, ठीक है। एवरेज में क्या होता है कि मतलब एवरेज औसत, ठीक है। औसत ये सबसे बहुत हल्का चैप्टर है, ठीक है। सबसे हार्ड अगर लगता है तो कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर पॉइंट में आ गया, कैलकुलेशन आ गया, तब तो और हो गया दिक्कत, ठीक है। ये कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। टाइम एंड वर्क, पाइप और टंकी, टाइम डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम, ठीक है ना। ये सब का सब जो है वो आपको ट्रिकी मेथड से मिलेगा, ठीक है। ट्रिकी मेथड से मिलेगा। ये रहा आपका एसएससी जीडी 2024 का जो मैथ्स का मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, ये सब सबसे पहले क्लियर करो। जो आप अगर एवरेज हो, नहीं भी कुछ आ रहा है ना, नहीं भी कुछ आ रहा है, तो ये सबको जो है वो सबसे पहले क्लियर कर लो, एक बाद में जो है वो देखा जाएगा, ठीक है। अगर आप इतना भी कर लेते हो तो आपको जो है 15 क्वेश्चन कोई नहीं रोकेगा, 15 दूनी 30 नंबर, ठीक है। 30 नंबर आपको जो है वो कोई नहीं रोकेगा। अभी भी टाइम है, दो महीने का टाइम है, ठीक है। 2 महीना यानी कि 60 दिन का आपके पास में टाइम है। अब बात करते हैं कि ये ट्रिकी मेथड से अगर आप बनाना चाहते हो, ठीक है, ट्रिकी मेथड्स वाला जो है वो आपको कहाँ पे मिलेगा, ठीक है। ट्रिकी मेथड्स आपको कहाँ पे मिलेगा, तो यहाँ पे हम नंबर लिख रहे हैं 9128 9128 4865 24, ठीक है। इस व्हाट्सएप पे आप जो है वो मैसेज करना आपको। अगर केवल मैथ्स का ट्रिकी वाला मैथ्स का चाहिए, ठीक है, तो आपको 99 में मिल जाएगा, ठीक है। ट्रिकी वाला मैथ्स का 99 में मिल जाएगा ये, ठीक है। अब बहुत ही बेहतरीन तरीके से टाइप वाइज, ठीक है। इस नोट्स का खासियत पहले सुन लो। पहला कि उसमें टाइप वाइज क्वेश्चन है, चैप्टर वाइज तो है ही, जो एसएससी जीडी के मुख्य रूप से, ठीक है, मुख्य रूप से एसएससी जीडी में जितने भी सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने भी टीसीए जो है आज तक सवाल पूछा है, उस टाइप का सारा निचोड़ उस जो है वो उस नोट्स में है, ठीक है। हैंड रिटन नोट्स है वो, उसमें आपको टाइप वाइज क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम साइड में दिखा दे रहे हैं, टाइप वाइज आपको क्वेश्चन मिल जाएगा हर चैप्टर का, ठीक है ना। तो ये रहा आपका मैथ्स में आप स्कोर कैसे बढ़ा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि अगर आप मॉक टेस्ट लगा रहे हो, ठीक है, मॉक टेस्ट लगा रहे हो, तो आपका नंबर अगर कम आ रहा है तो उसमें क्या करना है कि जो भी आपका जो है वो गलत हो रहा है, ठीक है, मान लो कि 20 क्वेश्चन में आपका जो है वो 10 क्वेश्चन गलत हुआ, 10 क्वेश्चन सही हुआ, 10 क्वेश्चन जो है वो आपका गलत हो जा रहा है, ठीक है। तो जो गलत हुआ उसको देखो कि किस टॉपिक से ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट गलत हो रहा है, प्रॉफिट लॉस गलत हो रहा है, या फिर परसेंटेज वाला क्वेश्चन आपका हर बार गलत हो रहा है, ठीक है। गलत पकड़ा जाएगा कि कौन सा चैप्टर जो है आपका कमजोरी है, उस चैप्टर को जाकर फिर से क्या करना है, कहीं से भी देख लो, यूट्यूब पे बहुत सारा कंटेंट जो है वो पड़ा हुआ है फ्री में, वहाँ से आप लोग को जो है वो उसका चैप्टर को पूरा का पूरा खत्म कर लो पड़ेगा, ठीक है। इस प्रकार से जो है आप अपना मॉक टेस्ट में नंबर बढ़ा सकते हैं, एसएससी जीडी 2024 में आप अपना एक्सिट पक्का कर सकते हो, ठीक है। तो ये रहा छोटा सा जानकारी आप लोगों के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। नेक्स्ट वीडियो आपका जो है वो किस टॉपिक पर अच्छा आना चाहिए, ठीक है, जरूर कमेंट्स में करके बताना। ये रहा आपका मैथ्स का, ठीक है। अगर आप ये फॉलो नहीं कर रहे हो तो कोई और अगर तरीका आपको चाहिए तो वो भी हमको कमेंट्स में जरूर बता देना, ठीक है। कोई और आपके लिए तरीका जरूर निकाल के लाएंगे, ठीक है। एक प्रॉब्लम का 1000 सॉल्यूशन होता है, एक सॉल्यूशन नहीं होता, ठीक है। अगर आपका ये इस सॉल्यूशन से काम नहीं चल रहा तो हम आपके लिए अगला सॉल्यूशन ढूंढेंगे, ठीक है ना। मिलते हैं किसी भी नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।